भारत की पहली पारी के 649 रनों के जवाब में विंडीज की पहली पारी 181 पर ढेर हो गई। भारत के पास अब भी 468 रनों की विशाल बढ़त है। भारतीय गेंदबाजों ने मैच में एक तरफा प्रदर्शन किया और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, नए विंडीज के दोनों ओपनरों कार्लास ब्रेथवेट 2 और किरण पावेल 1 के विकेट दिला दिए। बाकी विकेट भी सस्ते में गिरते रहे और शाइन होप 10 को रविचंद्रन अश्विन ने बोल्ड कर तीसरा विकेट निकाला, अपना पहला टेस्ट शतक जमाने वाले ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने शिमरन हेटमायर 10 को और सुनील एम्ब्रोस 12 को आउट किया, जबकि विकेटकीपर शेन डाउरिच 10 को चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने आउट किया। 38वें मैच में जडेजा ने लगाया शतक। इससे पहले रविंद्र जडेजा के पहले टेस्ट शतक के बाद भारत ने 9 विकेट पर 649 रन के विशाल स्कोर पर पारी घोषित कर दी। अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे जडेजा ने 132 गेंद पर नाबाद 100 रन बनाए। वहीं कप्तान विराट कोहली ने अपना 24वां टेस्ट शतक लगाते हुए 230 गेंद में 139 रन की पारी खेली। जडेजा को तिहरे अंक तक पहुंचने के लिए 38 टेस्ट का इंतजार करना पड़ा। उन्होंने दिसंबर 2012 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। 11वें नंबर के बल्लेबाज मोहम्मद शमी के साथ खेलते हुए जडेजा ने चाय से ठीक पहले के ओवर में शतक पूरा किया। अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए। जेड न्यूज की रिपोर्ट।